हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों के 10वीं और 12वीं के बच्चों को टैबलेट वितरित किए गए थे, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने बच्चों को जून की छुट्टियों में टैबलेट के जरिए पढ़ाने का दावा किया था, लेकिन सिम एक्टिवेशन ना होने की वजह से अंबाला में अभी तक 15,179 टैबलेट बंद कमरों में पड़े हैं। शिक्षा अधिकारी के मुताबिक इन टैबलेट्स को छुट्टियों के बाद जुलाई में बांटा जाएगा। अंबाला में अभी तक मात्र 1054 बच्चों को ही टैबलेट वितरित हो पाए हैं। अंबाला के जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि अभी तक 1054 बच्चों को टैबलेट दिए गए हैं, 15,179 टैबलेट एक्टिवेशन ना होने के चलते वितरित नहीं हो पाए हैं, जिन्हें छुट्टियों के बाद ही अब बांटा जाएगा। अभी जो है 15,179 टैबलेट्स और आए हैं हमारे पास, और उनमें अभी सिम का एक्टिवेशन होना है। जैसे ही उनका सिम का एक्टिवेशन उनका हो जाएगा, वो 15,179 टैबलेट्स भी बच्चों को और जिन अध्यापकों के लिए वो आए हैं उनको दे दिए जाएंगे। टोटल 22 जिले हैं हरियाणा में, 15 जिलों के अंदर एक्टिवेशन का काम चल रहा है, 7 जिलों में अभी धीरे धीरे हो रहा है, एक दिन में सारा काम नहीं हो सकता। तो 7 जिले जो पेंडिंग है अभी, उनमें सभी के अंदर ही जो है वो तभी दिए जाएंगे टैबलेट्स जब एक्टिवेशन उनका हो जाएगा सिम्स का।